टू माई लेक्चर आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज लेक्सूडेंट वी आर ऑन चैप्टर टू पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान अब हम पाकिस्तान की इमोजेंस की तरफ बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने कैसे मुश्किल का सामना किया और कैसे आगे बढ़ा चले आगे देखते हैं ओके okay, जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था यस इट वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी राइट नाइनटीन फोर्टी में किसने पास की थी लियाकत अली खान हु ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वेल डन यू ऑल रिमेंबर वॉट वी हैव सो फार आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हो गया एंड उसने यह भी बता दिया कि अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी मुल्क को चलाने के लिए टू गवर्न द कंट्री उसके बेसिस क्या होंगे और उसके प्रिंसिपल्स बेसिक क्या होंगे जल्दी से स्टिल कीजिए वीडियो और एक या दो वो बेसिक प्रिंसिपल अपने पास लिखिए वेल डन नाउ अब हम आगे देखते हैं कि जब जैसे जैसे साल गुजरे पाकिस्तान आगे बढ़ा तो मजीद क्या मुश्किल आई और अगर आई तो उनको केटर कैसे किया गया नाउ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बेसिस हमारे पास आ गई लेकिन हमारे पास एक फ्रेमवर्क होने का मतलब ये नहीं था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज अ फुल प्रोसेस एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए बनेगा उसके लिए ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है So, इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप था कमेटी बनाई गई असेंबली अब इस कमेटी का काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए लेकिन इस कमेटी को और बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा सबसे पहले थी कायदे आजम की डेथ उसके बाद लियाकत अली खान ने तो भागदौड़ संभाल ली लेकिन आफ्टर असैसिनेशन ऑफ अली खान वॉज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडरशिप प्रॉपर नहीं मिल रही थी इनकॉम्पिटेंस ऑफ द लीडरशिप पाकिस्तान वॉज नॉट है कॉम्पिटेंट लीडर और अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो पाकिस्तान को संभाल सके एक तो मुल्क भी नहीं आया ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी नहीं बनी ऊपर से ये दो फैक्टर्स सो इट वॉज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हो रहा था बट हाउ एवर ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी फोर को ये फेडरल असेंबली जो चलती आ रही थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया उसकी जगह बनी एक न्यू फेडरल असेंबली अब ये एक बड़ा डॉजी स्टेप था या तो नई असेंबली जो बनी थी वो सब कुछ ठीक कर देगी या खराब कर देगी हाउएवर शायद ये अच्छाई की तरफ या तरक्की की तरफ पहला कदम था ये एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ उसके बाद एक और इशू था पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो उसके दो विंग्स बने वेस्ट विंग एंड ईस्ट विंग वेस्ट विंग में चार प्रोविंसेस थे और ईस्ट विंग में एक प्रोविंस था तो बेसिकली पाकिस्तान दो टुकड़ों में डिवाइडेड था अगर आप मैप पे देखें जो कि आपको नजर आ रहा है उसमें आपको ईस्ट विंग और वेस्ट विंग दोनों के प्रोविंसेस नजर आएंगे और ज्योग्राफिकल लोकेशन नजर आएगी ईस्ट विंग और वेस्ट विंग बनने से पहले वो सिर्फ चार प्रोविंस और एक प्रोविंस थे लेकिन उनको ग्रुप करके एक यूनिट बनाया गया एक को वेस्ट विंग कहा गया और एक को ईस्ट विंग कहा गया नाउ इससे भी आसानी पैदा हुई एटलीस्ट आपके ज्योग्राफिकल यूनिट्स जिनको आपने कंट्रोल करना है वो आपके अंडर एक यूनिट के तौर पे आ गए अब इन दोनों चीजों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मजीद आसान हो गया वो लोग इन प्लेस आ गए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है वो जगह इन ऑर्डर आ गई जिसके लिए बननी है सो येस दीज टू गुड स्टेप्स नेक्स्ट वॉट हैपन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो नया था हिज नेम चौधरी चौधरी मोहम्मद मोहम्मद अली अली न्यू प्राइम मिनिस्टर पेड फुल अटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अब न्यू प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे अपना एफर्ट और अपनी अटेंशन सबसे ज्यादा रखी क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि जब तक कि मुल्क चलाने के लिए फ्रेमवर्क रूल्स हमारे पास नहीं होंगे तब तक हमारे लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन 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 मस्ट बी वीट्यूशन है क्या राइट right? कौन कौन जानता है रेज योर हैं डर वी गर्न दैट वॉट इज अंस्टिट्यूशन अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज टू बी गवर्न ये है जी डिक्शनरी डेफिनेशन कुछ समझ आती है कुछ नहीं समझ आती चले इसको थोड़ा सा आसान करते हैं बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन

गवर्नमेंट को भी बताएगी क्योंकि okay, आप ये करोगे ये करोगे ये करोगे प्लस ये गारंटी करती है सर्टन राइट ऑफ द सिटीजन और ये, ये इस बात की अश्योरिटी देती है कि जो सिटीजन है मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं उनको जो राइट्स दिए जाएंगे वो कौन से होंगे क्या होंगे और अश्योरिटी होगी कि ये उनको मिलेंगे जैसे सोशल कल्चरल रिलीजियस सेफ गार्ड प्रोटेक्शन ये एक बेसिक सिटीजनशिप राइट है सो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू ऑल दिस थिंग दैट्स वाई इट्स अ फ्रेमवर्क नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताकि हमें यह समझ आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी टाइप्स की होती हैं और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप की थी और आगे चल के उसमें क्या चेंजेस आई सो यस सबसे पहले देखते हैं कोडिफाइड अनकोडिफाइड फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल अब यू मस्ट बी वर्नमिंग ये चार वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब इकट्ठा होता है कोडिफाइड अनकोडिफाइड सिंपल क्या कोई कोड दिए गए हैं कोई स्पेशल लैंग्वेज यूज की गई है या नहीं की गई

कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक सुपीरियर लॉ है जो कि लॉ बन गया यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बहुत मुश्किल हैं इसलिए इट्स एन इनफ्लेक्सिबल वन इसमें अमेंडमेंट करनी हो तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक जाना पड़ता है ब्रिटेन की फ्लेक्सिबल है उसमें चेंजेस के लिए आपकी सिर्फ जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होती है उसकी अप्रूवल होती है एंड देन यू कैन मेक द चेंज

स्टेट होता है और उसकी पावर लिमिटेड होती है ब्रिटेन की एग्जाम्पल अगर लें तो मोनार्क के साथ साथ उनकी क्वीन का भी पावर आ जाती है द क्वीन रेनजिन सो इट्स बिटवीन द क्वीन एंड द मोनार्क जो पावर है और जो पोलिटिकल पावर है लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर सो तीन चीजें हो गई ब्रिटेन में मोनार्क भी है क्वीन भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है जो पोलिटिकल पावर से रिलेटेड है उसके बाद रिपब्लिकन क्या होती है रिपब्लिकन एज द नेम सुजेस्ट लोग खुद सिलेक्ट करते हैं सो so, इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन ऑफ अ प्रेजिडेंट हेड ऑफ अ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो रिपब्लिकन होती है उसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होता है और वो प्रेजिडेंट होता है उसको लोग खुद चूज करते हैं दैट अ रिपब्लिक इज थर्ड इज प्रेजिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री अब प्रेजिडेंशियल में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेजिडेंट है उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का भी मेंबर है लेकिन वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है सो so, दो चीजें हैं हेड ऑफ स्टेट है एग्जेक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का भी मेंबर है लेकिन लेजिस्लेचर का नहीं है पार्लियामेंट्री में प्रेजिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो लेकिन प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यहां पर द प्राइम मिनिस्टर वॉक्सन यहां पर डुअल हो जाता है प्रेजिडेंशियल में सिर्फ प्रेजिडेंट है पार्लियामेंट्री में प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव ब्रांच और लेजिसलेटिव ब्रांच का मेंबर है मतलब जो छोटे लेवल के डिसीजन हैं, वो और जो पॉलिटिकल लेवल डिसीजन हैं, दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डीलिंग फोर्थ टाइप इज फेडरल एंड यूनिटरी, फेडरल एज अ नेम सेल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है प्लस हाउ एवर यूनिट्री में देर इज ओनली अन्ट्रली डिजाइंड गवर्नमेंट यूनिटरी में सिर्फ एक गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और ये ब्रिटेन में है सो दिस इज द फोर्थ टाइप नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन पोलिटिकल इन लीगल अब पोलिटिकल और लीगल में क्या है पोलिटिकली आपकी जो बंदा हु इज रिस्पॉन्सिबल एज द हेड होल्ड द पोलिटिकल पार राइट उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है फॉर द डिसीजन एंड फॉर द पार ही इज अकाउंटेबल फॉर लीगल में क्या है कि लीगल में यू हैव कोर्ट्स ऑफ लॉ दे डिसाइड कि किस बंदे को कितनी पावर दी जाएगी सो दिस इज द फिफ्थ टाइप अब आपने फाइव टाइप्स की कॉन्स्टिट्यूशन देख ली हैं हम आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देखते हैं और फिर आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कौन सी टाइप है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनी एंड इट वाज प्रोमगेटेड ऑन 23 मार्च 1956 23 मार्च 1956 को ये पास की गई अब इसके कुछ सेलियन फीचर्स हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं नाउ The salient features, the first one being Pakistan was declared an Islamic Republic. Pakistan ko Islamic Republic declared kar diya gaya. Federal parliamentary system was introduced in the country. Federal parliamentary system introduced kiya gaya. central government and then the state governments or the provincial governments. It was affirmed that sovereignty belongs to our Almighty Allah. Exercise of power would be through the elected representatives of people. Necessary environment would be created to enable the people to lead their lives according to the basic principles of Islam and full religious freedom will be granted to minorities. Now, under this constitution, it is said that everything that is, belongs to Allah because it is an Islamic republic. And according to this constitution, all the principles adopted which are necessary to live a life. जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी तरीके हैं या तर्ज जिंदगी है वो बताई जाएगी और लोग उसी के अकॉर्डिंगली इस्लाम के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करेंगे बट इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने रिलीजन या अपनी तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं एज फार एज दे आर अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री फोर्थ वन सिटीजन गिवन फुल सिविक राइट्स टू लीड अ प्रॉस्परस लाइफ एंड यूटिलाइज देयर फैसिलिटीज नाउ अब सिटीजन को सिविक राइट्स जब आप एक मुल्क के शहरी होते हो तो आपके कुछ सर्टन राइट होते हैं लीगल भी सोशल भी कल्चरल भी आपको वो सब दिए जाएंगे आपको आजादी दी जाएगी इस मुल्क में रहने के लिए इट वॉज गारंटीड जुडिशरी वुड वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस वुड बी इंश्योर फॉर जजेस अब ये भी कहा गया कि जो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे प्लस जो जजेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड फुल प्रोटेक्शन विल बी गिवन ताकि वो आराम से इस मुल्क में रह सकें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 उर्दू एंड बंगाली वर विकलेयर द नेशनल लैंग्वेजेस अब 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया क्यों रिमेंबर हमने देखा था कि एक ईस्ट विंग था और एक वेस्ट विंग था वेस्ट विंग जिसमें चार प्रोविंस थे वो तो वो पाकिस्तान है जो आज हमारे पास भी है लेकिन ईस्ट विंग वॉज अड एंड इंडिया वॉज इन बिटवीन वो बंगाल के हिस्से में था सो so, इसलिए बंगाली और उर्दू दोनों नेशनल लैंग्वेजेस बना दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इन फॉर्म अब जो 56 की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको रिटर्न फॉर्म में बनाया गया सिर्फ वर्बली नहीं था ये इसको लिखा गया और इसको प्रिंट किया गया ये थी पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो सम वॉट अंडर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई गई थी और इसके मेजर जो क्लॉजेस थे या मेजर जो फीचर्स थे वो वहीं से लिए गए थे अब देखते हैं ये कितना अरसा चली Abrogation of 1956 constitution. It was approved after 99 years. It was approved after 9 years. No sal ke baad approve It remained for 2 years and 7 months. Sif 2 ye in effect General Muhammad Ayub Khan abrogated it in October 1958. General Muhammad Ayub Khan, who became the next leader for the Pakistan, he abrogated this constitution and then ंगस अब हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे कि उनकी टन्योर में क्या हुआ एंड हाउ डिड पाकिस्तान डिवेलप एंड प्रोग्रेस बट बिफोर साइनिंग ऑफ मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी टाइप है येस इट्स रिपब्लिकन बिकॉज इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो दिस वॉज द पाइनियर कॉन्स्टिट्यूशन और आज भी पाकिस्तान को इसीलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज